नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मुंह के जख्मों के बारे में औषधि बताने जा रही हूँ। कैंसर के बाद कैंसर हो जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है, काफ़ी जख्म हो जाते हैं, छाले, मुंह की सभी बीमारियों के रामबाण दवाई में बताने जा रही हूँ। ये सिर्फ गरारे करने के, कुल ना बोलते हैं जिसको, है ना। आपको इसको, इसमें लगने वाली सामग्री आप पहले देख लें। ये है दारू हल्दी, ये है फुल प्रियंकु, ये है सादी हल्दी, इसको तेजबल कहा जाता है, ये लोद्र है, लेडी पीपल और अपनी हरड़। आपको ये केवल 7 तरह की चीज़ें लगेगी। इसको बनाना कैसे है, आप सभी को समान मात्रा में ले लें, कि जितना लेना चाहें, 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम, सभी को समान मात्रा में ले लें। ये देखिए, मैं बता रही हूँ, ये तेजबल की लकड़ी आपको इस तरह से मिलेगी, बाजार में मिल जाएगी आसानी से। ये कुछ खड़ी है, कुछ पीसी है, ये सब समान मात्रा में आप तोल के आप इसको ले लें। ये अब इसको आप मोटा मोटा पीस लीजिए, आप इसको मोटा मोटा पीस लीजिए और करीब आधे लीटर पानी में 1 टेबल स्पून, आधे लीटर पानी में 1 टेबल स्पून आप ये जो मिश्रण है 7 औषधियों का, इस ये मिश्रण को आप उबाल लीजिए। उबाल के कुल्ला करें, मुंह में दुर्गंध आ रही है, पायरिया भी है, छाले भी आ रहे हैं, सभी पे ये अति उत्तम काम करता है। कवल बोलते हैं आयुर्वेद में इसको, गंडूस, कवल अलग चीज होती है, गंडूस। तो गरारे करना, कुलना करना, ऐसे करके थूकना है 5 से 7 बार सुबह शाम। अगर आपके मुंह में जख्म ज्यादा है तो दिन में 2 बार इसको जरूर करिए। कुनकुने पानी से छान लीजिए, इसको कूट पीस के उबाल लीजिए, कुनकुना रहेगा, छान लीजिए और गरारे करें। खास करके कैंसर के पेशेंट के लिए अति उत्तम है। साधारण पे नुकसान है नहीं, वनस्पतियां हैं और मुंह में छाले हैं, बदबू आ रही है, पायरिया है, ये सभी के लिए, मुंह के अंदर के जितनी जख्म है उन सभी पे ये बहुत अच्छा काम करता है। बहुत रामबाण औषधि है, आप इसको घर में बनाए बहुत आसानी से बन जाएगी। पंसारी की दुकान में आप सब 50-50 ग्राम खरीद लाएं और उबाल के इसको गरारे करें, देखिए कितना अच्छा असर करती है। माउथ फ्रेशनर का काम करता है, एंटीसेप्टिक है, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं मुंह के। इस छोटा सा प्रयोग है लेकिन इससे बहुत फायदा दिखता है। मैं तो कई पेशेंटों को देती हूँ और यही रिपोर्ट मिलती है कि मैडम बहुत फायदा करी दवाई ने, आपके गरारे जख्म में बहुत आराम मिला। तो इसको करिए। नमस्कार। भगवान धन्वंतरी आपको सदैव सुखी रखे, निरोगी रखे, यही शुभकामनाएं मेरी।